स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल मिलजुन दुर्गा मैन्युफैक्चर में। दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी है जो किचन इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर, पल्वराइजर मशीन जैसी 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। और ये कंपनी आई है गुजरात के राजकोट के शापर इंडस्ट्रियल एरिया में। दोस्तों, और एक ही वीडियो में ये सारी मशीनरी दिखाना तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इसीलिए हम एक एक मशीनरी आपके साथ लेके आते रहते हैं। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं चपाती मेकिंग मशीन, यानी कि ऑटोमेटिक रोटी बनाने की मशीन। दोस्तों, रेस्टोरेंट हो गया, शादी का कामकाज है, फिर कैटरर्स का कामकाज है, तो ये सब प्रसंग में रोटी बनाना काफ़ी मुश्किल का काम होता है। तो इसलिए हम आपके काम को सिंपल और आसान करने के लिए ये मशीन लेके आ गए हैं दोस्तों। और ये मशीन में घर जैसी फुली हुई रोटियां आप पका सकते हैं। तो आइए अब इस प्रोसेस को हम बारीक से जानते हैं। सबसे पहले तो ये मशीन में स्टार्ट करना है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे ये कंट्रोल पैनल दिया हुआ है जिसमें सभी जो बटन्स है उस पर भी नाम लिखा गया है। ये देखिए, ये प्रेसिंग मोटर, यानी कि ये जो चपाती का जो प्रेसिंग मशीन है, और ये कन्वेयर का, फिर यहाँ पे ये जो हीटर हमारा दिया गया है, ये सभी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ जो MCB लगाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे जो MCB लगाया हुआ है, ये हमें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले ये मशीन स्टार्ट करते ही हमारा जो मशीन है वो स्टार्ट हो गया है। फिर उसके बाद ये हमें जो हीटर है वो सभी ऑन करने हैं दोस्तों। ये एक नंबर का है, फिर ये दो नंबर, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों, ये जो हमारा हीटर है वो 120 तक आने देना है। फिर हमें ये कन्वेयर और प्रेसिंग जो हमारा रोटी का मशीन है वो स्टार्ट करना है। हमारी सेटिंग है वो हो जाने के बाद हमें फिर क्या करना है, ये जो हमारा रोटी का मशीन है इसमें यहाँ पीछे सेटिंग दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं वो रोटी को मोटी और पतली बनाने का यहाँ पे ये दिया हुआ है। अगर आपको इसे लेफ्ट घुमाएंगे तो रोटी उतनी पतली होगी, और राइट घुमाएंगे तो रोटी इतनी मोटी होगी। तो आप अपने हिसाब से 1 mm से लेकर 2.5 mm तक रोटी मोटी या फिर पतली बना सकते हैं। और यहाँ पे ये जो मोटर लगी हुई है, इसमें टोटल 2 मोटर, 1 HP की टोटल 2 मोटर आती है। तो आप ये सेटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। फिर ये मशीन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा प्रेसिंग मशीन है, देख रहे हैं ये जो हमारा जो डो का बॉल होगा, रोटी का जो बॉल्स होते हैं वो आपको यहाँ से डालने हैं। मतलब एक एक करके आप यहाँ से रोटी का बॉल्स डाल सकते हैं। ये बीच में जो प्रेसिंग की जो सिरामिक प्लेट होती है वो भी आप हम आपको खोल के दिखाते हैं दोस्तों। ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये कॉम्पैक्ट मॉडल है, छोटी सी जगह में भी आसानी से आ जा सकता है। ये देखिए दोस्तों, तो आप ये जो देख रहे हैं ये 2 सिरामिक प्लेट लगाई हुई है, वो भी स्प्रिंग वाली है, काफी बढ़िया तरीके से ये बनाया हुआ है। जो हमारी रोटी है वो यहाँ से ये दोनों के बीच में ही प्रेसिंग होगी, और रोटी बना सिर्फ प्रेसिंग करने में दोस्तों 2 ही सेकंड लगेंगे। और दोस्तों, ये बात भी सही है कि हम सारी मशीनरी खुद ही यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इतनी छोटी है कि आप कहीं पर भी लगा सकते हैं दोस्तों, शादी में आप ले जा सकते हैं, फिर कैटरर्स का काम करते हैं तो भी आप इसे परचेस कर सकते हैं, या फिर आपका रेस्टोरेंट है, ढाबा है। और इसकी कैपेसिटी तो देखिए दोस्तों, एक ही घंटे में आपको 900 से 1000 रोटी एक ही घंटे में आपको बना कर दे सकती है, और घर जैसी फुली हुई रोटियाँ भी इसमें आप बना सकते हैं। और खास बात यह है दोस्तों कि अगर इसमें आप रोटी बनाते हैं तो 50%
जो बिजली की बचत है वो भी होती है और जो गैस की बचत है वो भी होती है। मतलब कि ये 50% गैस सेविंग मशीन है। फिर जो लेबर लगते हैं रोटी बनाने में, 2-3 लेबर तो लगते ही है, तो ये लेबर सेविंग भी है। आप एक ही बंदे को यहाँ पे रख सकते हैं और 1 घंटे में 900 से 1000 रोटी आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। और 360 डिग्री में ये रोटी को सेक सकता है और एकदम फुली फुली हुई रोटियाँ आप आसानी से बना सकते हैं। और दोस्तों ये मटेरियल की बात करें तो ये इसमें जो 3 टोटल कन्वेयर लगा हुआ है उसमें ये जो कन्वेयर है वो SS304 में बना हुआ है और बाकी की जो बॉडी है वो SS302 में बनी हुई है। मतलब ये फूड ग्रेड मटेरियल है, इसमें रोटी बनने से कोई भी नुकसान नहीं होगा। और फिर हम बात करते हैं इसमें जो LPG लगता है, इसमें दोस्तों टोटल 3 कन्वेयर लगे हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं ये पूरा 3 कन्वेयर यहाँ पे लगा हुआ है और जो हमारा LPG कनेक्शन है वो यहाँ से होगा और फिर ये इसमें टोटल 5 कनेक्शन है आप देख सकते हैं। और इसका जो कंट्रोल है वो यहाँ पे है, ये देखिए ये इसका कंट्रोल यहाँ पे लगा हुआ है। इसके साथ ये जो वाल्व है वो भी साथ में दिया जाता है ताकि यहाँ पे आसानी से आप इसे कम या फिर फास्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों। इसका लाइव डेमो भी आपको हम दिखा रहे हैं ताकि आपको कोई भी मुश्किली ना हो। और दोस्तों यहाँ पे जो बेयरिंग लगे हुए हैं इसको 15 दिन में आपको ग्रीस करना है। जो ये देखिए इतनी सारी वस्तु तो साथ में फ्री में आती है, ये ग्रीस का जो डिब्बा है, फिर ये सब जो वस्तु ये है, ये नली है, फिर ये लाइटर है, ये सारे वाल्व है, वो सब आपको फ्री में ही आते हैं। मतलब कि टेंशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जो ये बेयरिंग की मैं बात कर रही हूँ, ये बेयरिंग है वो आपको हर 15 दिन में इसे ग्रीस करना है। यहाँ पे जो बेयरिंग लगे हुए हैं, मेन जो हमारा LPG का वाल्व है वो यहाँ से होगा। मतलब आपको LPG यहाँ से, आपको जो मेन है वो स्विच यहाँ से है, फिर इसमें से ये 5 अलग अलग में जाएंगी। दोस्तों 1 ही घंटे में 700 से 1000 रोटी 1 ही घंटे में आप बना सकते हैं दोस्तों। तो फिर ये रेस्टोरेंट है तो उसमें कितने लेबर लगते हैं आप तो खुद ही सोचिए। 3-4 लेबर तो रखते ही है दोस्तों। अभी मैं आपको ये कन्वेयर जो है वो स्टार्ट करके दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये कन्वेयर का स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, तो देखिए इसे अब ऑन कर दिया और हमारा कन्वेयर स्टार्ट हो गया दोस्तों। ये देखिए हमारा जो डो बॉल है वो यहाँ से आपको डालना है, ठीक है, और फिर 2 ही सेकंड में हमारी रोटी बनके यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे ये पूरा कन्वेयर में 3 लेयर में सिक जाएगी और फुली फुली हुई रोटियाँ आपको यहाँ से मिलेगी। और दोस्तों अगर आपको ऊपर से रोटी कच्ची लगे तो हमारा जो यहाँ पे स्विच अलग अलग दिया हुआ है, अगर आपको रोटी ऊपर से गर्म लगे तो ये पहला वाला स्विच है उसे आप सेट करना, और रोटी अगर नीचे से आपको कच्ची लगे तो ये 3 नंबर और 4 नंबर का जो वाल है वो उसे आप सेट करना। ये देखिए हमारा हीटर भी, मतलब मैक्सिमम आपको 122 तक ही आने देना है, फिर ये आपको रोटी मशीन और प्रेसिंग मशीन स्टार्ट कर देना है। तो मैंने मशीन के बारे में पूरी जानकारी तो आपके साथ शेयर कर दी है, और अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप नीचे स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पे आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको ये मशीन परचेस करना है और ये मशीन आपको रीसेल के लिए चाहिए, डीलर रेट में चाहिए, तो भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।